नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे आरपीएन सिंह अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। मंगलवार को उन्होंने कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया। आरपीएन सिंह के पार्टी छोड़ने और बीजेपी ज्वाइन करने को लेकर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की। प्रियंका गांधी के बयान को कोट करते हुए कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, कांग्रेस पार्टी जो लड़ाई लड़ रही है वो केवल बहादुरी से लड़ी जा सकती है। इसके लिए साहस ताकत की जरूरत है और प्रियंका गांधी ने कहा है कि कायर लोग इसे नहीं लड़ सकते। मेरा अपना मानना है कि ये जो लड़ाई है, जिस लड़ाई को कांग्रेस पार्टी लड़ रही है और प्रियंका जी ने इसका पहले भी जिक्र किया है, ये लड़ाई बड़ी मुश्किल है और ये लड़ाई साहस के साथ ही लड़ी जा सकती है, वीरता के साथ ही लड़ी जा सकती है, बहादुरी से ही लड़ी जा सकती है। क्योंकि ये लड़ाई आप एक दंभकारी सरकार, उनके अहंकार, उनकी एजेंसीज, पूंजीवाद, हर तरह के लांछन के खिलाफ लड़ रहे हैं और इसको लड़ने के लिए बूता चाहिए। ये सच की लड़ाई है, ये सिद्धांतों की लड़ाई है। इसको लड़ने के लिए बूता चाहिए, इसको लड़ने के लिए वीरता चाहिए, साहस चाहिए। और जैसा कि प्रियंका जी कहती हैं, कायर इस लड़ाई को लड़ नहीं सकते। जो जहां जा रहा है, हम उनको बिल्कुल अपनी ओर से शुभकामनाएं देते हैं उनके उज्जवल भविष्य की और हम आशा करते हैं कि शायद उनको समय रहते ये पता चलेगा कि लड़ाई लड़ना, शिद्दत से लड़ाई लड़ना वीरों की निशानी है। आरपीएन सिंह के बीजेपी में शामिल होने पर यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार सिंह लल्लू ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की। अजय कुमार लल्लू ने कहा है कि जिसको ईडी और सीबीआई का डर होगा वो चला जाएगा, किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिसको जहां लड़ना है वो लड़ेगा। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का जिला कार्यालय बंद हुआ है, वो दूसरी जगह खुल जाएगा। दरअसल कुशीनगर में आरपीएन सिंह के मकान में ही कांग्रेस का चुनाव कार्यालय बनाया गया था। आरपीएन सिंह के कांग्रेस छोड़ने को यूपी विधानसभा चुनाव के पहले पार्टी के लिए तगड़ा झटका माना जा रहा है। आरपीएन सिंह कई बार लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं लेकिन कई बार पराजित हुए। जब 2009 में जीते तो पहली बार संसद पहुंचने पर ही कांग्रेस ने उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया था। उनका पूरा नाम कुंवर रतनजीत प्रताप नारायण सिंह है। कांग्रेस ने तब उन्हें केंद्रीय भूतल परिवहन राज्य मंत्री बनाया था। बाद में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की अहम जिम्मेदारी भी दी गई। आरपीएन सिंह उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के पडरौना राज परिवार के सदस्य हैं। उन्हें पडरौना का राजा साहब भी कहा जाता है। कुशीनगर में स्थानीय लोग उन्हें राजा साहब बुलाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।